Commencing at the Hari Nama format, the message of the benefits. And dear students, good morning to all of you. Today our topic is about heat in generated from chapter number 10, thermodynamics. So in today's lecture we will discuss about heat engine, then part of heat engine, then efficiency of heat engine. So what do you mean by a heat engine? A heat engine is a device which converts thermal energy or heat energy into mechanical energy. So that is called heat engine. Let me write this definition. A device which converts thermal energy into heat energy into mechanical work. Is called what? Heat engine. This is the very simple and basic definition of heat engine, which is a device that converts heat energy into mechanical work. Now, steam engine, petrol engine, and diesel engine are all the example of heat engine. A heat engine consists of three parts. Parts of heat engine. हीट इंजन के हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं. एक है हमारे पास हाई टेंपरेचर रिजर्वायर, इस तरह लिटिल ड्राइंग इज द डायग्राम ऑफ हीट इंजन. ये जो है ना हमारे पास हाई टेंपरेचर रिजर्वायर है या हॉट रिजर्वायर, हाई टेंपरेचर रिजर्वायर या हॉट रिजर्वायर, सिंपल वर्ड वी कैन से हॉट रिजर्वायर. हॉट रिजर्वायर यहाँ पर हमारे पास होता है कूल रिजर्वायर. हॉट रिजर्वायर, कूल रिजर्वायर एंड यहाँ पर सेंटर में हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग ये हीट इंजन की डायग्राम है. हॉट रिजर्वायर हमारे साथ हमेशा हाई टेंपरेचर पर होता है. इसकी टेंपरेचर से संबंधित रिप्रेजेंटेड बाय T1. और कूल रिजर्वायर हमारे पास लो टेंपरेचर पे होती है. इसकी टेंपरेचर से संबंधित T2 है हमारे पास. अब देख ले हॉट रिजर्वायर की टेंपरेचर हमारे पास इसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है टेंपरेचर वो किस तरह बिहेव होती है. जब एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे सपोज हमारे पास बड़ा सा समंदर है पानी का और इसी से हमने थोड़े से पानी दिए, थोड़े से पानी निकाल दिए तो समंदर पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. तो यहाँ पर इसकी जो टेम्परेचर है ये भी अनचेंज होती है. प्रैक्टिकली जो है इसकी टेम्परेचर चेंज नहीं होती. अगर कंटिन्यूसली हमारे इंजन में पेट्रोल बर्न आउट होता जा रहा है तो इसकी टेम्परेचर वही सेम होती है, अनचेंज होती है. सिमिलरली कूल रिजर्वायर भी अनचेंज होती है इस केस में भी. तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो है ना एक समंदर है बड़ा सा पानी का, उसमें हमने थोड़े से पानी डाल दिए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. तो ये रिजर्वायर है, हार्ड रिजर्वायर और कूल रिजर्वायर हमारे पास. तो हार्ड रिजर्वायर को हम हीट सोर्स भी कहते हैं. व्हाट इज हार्ड रिजर्वायर? इट इज अ वेरी लार्ज रिजर्वायर और सोर्स ऑफ हीट एनर्जी and is at high temperature. Its temperature remains practically unchanged during any transfer of heat into or out of it. इस तरह में जब इसकी टेम्परेचर अनचेंज होती है, अगर इसे भी हीट जाए भी, यहाँ से हीट जा रही है हार्ट रिजर्वायर से, इस अगली डायरेक्शन में हीट जा रही है हार्ट रिजर्वायर से और इससे पास होते हुए कूल रिजर्वायर तक पहुँचती है. तो हीट इससे पास होकर कूल रिजर्वायर तक पहुंचती है, फिर कूल रिजर्वायर के थ्रू आ जा रही नेचर को मिलती है. और नेचर इज अ वेरी वेरी
बिग रिजर्वायर तो सारे हीट को लास्ट में नीचे भी एब्जॉर्ब करती है। सिमिलरली अगर वर्किंग सब्सटेंस से भी पास हो जाए तो ये भी लास्ट में क्या होता है, इससे अगर हीट पास हो जाए भी लास्ट में नेचर जो एनवायरमेंट है हमारे एक्सटर्नल इसमें एब्जॉर्ब होती है। तो वहां भी रिजर्वायर को हम हीट सोर्स का नाम देते हैं क्योंकि यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ से हीट जा रही है। से सपोज द हीट हियर दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Q1 एंड यहाँ पर जो कूल रिजर्वायर है ये भी सिर्फ हीट प्रोडक्शन के लिए, तो एयर रिजर्वायर काफी है। अभी यहाँ पर कूल रिजर्वायर की हमें क्यू जरूरत आई ताकि डिफरेंट एक डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस आए हमारे पास और हीट फ्लो हो। जब तक हीट फ्लो ना होगी, जब तक एनर्जी फ्लो ना होगी तो हम की वर्क डन ही नहीं कर सकते। तो वर्क डन के लिए जरूरी है कि फ्लम एनर्जी हो, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास क्यू है कूल रिजर्वायर में। अब देखिए Q1 अमाउंट ऑफ हीट हार्ट रिजर्वायर से आती है, कुछ हीट जो है ना मदर में सिर्फ होता है और कुछ हीट यहाँ पर जा रही है कूल रिजर्वायर। तो यहाँ से जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट आ रही है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हमारे पास होती है। अब वर्क डन हमारे पास कितना है, टोटल जो हीट आई है हमारे पास और उसे सब्ट्रैक्ट करें जो सिंक में जा रही है कूल रिजर्वायर जो है ना हर चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। हर रिजर्वायर से एनर्जी आ रही है और कूल रिजर्वायर के अंदर जा रही है, इसमें गिर रही है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं सिंक। This one is source and cool reservoir is sink. Source and sink. ये तो सारा heat engine के बारे में हुआ कि जब heat हम hot reservoir से cool reservoir की तरफ जा रहे हैं तो working substance से यहाँ से engine से pass होके piston rotate हो, piston को है ना up down कर रहा है या PV हमारे पास जो car है या किसी motorcycle की engine है तो या dynamo है इसको घुमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी टर्बाइन पर गिर रही है तो टर्बाइन घूमना शुरू कर देता है, तो इसी केस में इस हीट की बिना पे ये इंजन जो है ना ये स्टार्ट हो रहा है, काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन 100% जो ये हीट है ये कन्वर्ट नहीं हो रही वर्क डन में। कूल रिजर्वायर में जरूर कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ द हीट जाएगी। तो इसके बाद हम जा रहे हैं किस चीज पे, एफिशिएंसी या हीट इंजन पे, कि कैसे हम एफिशिएंसी या हीट इंजन मालूम कर रहे हैं। अब एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, कितना वर्क डन हुआ, अब कितना इनपुट हमने दिया, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल W। नाउ इनपुट क्या है, ये हीट हमने दिया, सो W डिवाइडेड बाय Q1 दिस इज वर्क डन, मीन आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट इज दिस वर्क डन। जो हीट हमारे पास सिंक में जा रही है वो आउटपुट में हम काउंट नहीं कर रहे, तो आउटपुट सिर्फ वही है जो वर्क डन है यूजफुल वर्क डन इंजन पे हमारे पास आती है। सिमिलरली जो इनपुट है हमारे पास Q1 है। अब यहाँ से इस इक्वेशन से हमें मालूम है कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, सो इंस्टेड ऑफ W वी कैन राइट Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। फर्दर मोर इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैसे, This is efficiency. इस Q1 को दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं, so we will get Q1 divided by Q1 से हमारे पास वन आएगा माइनस Q2 divided by Q1। अब देखते हैं this is the formula for efficiency of heat engine। यहाँ पर Q2 की जगह हम T2 लिख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर T2 पर हमारे पास Q2 हीट आ रही है, टेम्परेचर T1 पे हमारे पास Q1 हीट आ रही है, तो फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 1 माइनस T2 टेम्परेचर एट कूल रिजर्वायर माइनस टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वायर, दिस इज द फार्मूला फॉर एफिशिएंसी। सो लेट्स राइट इट हियर, efficiency of heat engine is calculated like this, 1 minus T2 divided by T1.
डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ हीट इंजन में हमारे पास कितने तीन पार्ट है, हार्ड रिजर्वायर जिसको सोर्स कहते हैं सोर्स ऑफ हीट, कूल रिजर्वायर जिसको सिंक कहते हैं जो सारा हीट हार्ड रिजर्वायर से फ्लो के कूल रिजर्वायर में जा रही है, और वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस में अक्सर हमारे पास गैस या पेट्रोलियम आती है, जब इंजन के बर्न आउट होते हैं इंजन की पिस्टन मोशन स्टार्ट करती है अप डाउन, और या हम टर्बाइन रोटेट करना है या किसी भी तरह भी इंजन में, तो ये वर्किंग सब्सटेंस में हमारे पास इसके पार्ट आती है। ठीक है, अब देखते इसी की जो इफिशंसी है हमारे पास कह रहे कि एफ क्यू टू इक्वल टू जीरो दैट इज मोर हीट वाज एग्जॉस्टेड बाय द इंजन सो दैट ऑल द हीट क्यू वन अब्सॉर्ब्ड विल कन्वर्टेड टू हीट। क्या अगर हम देखते हैं अगर ये क्यू टू में कह रहे हो कैसे सपोज दिस इज जीरो, अगर क्यू टू हमारे पास जीरो आती है तो इफिशंसी क्या होगी, इसका मतलब ये हुआ कि जितना हीट हमने यहाँ पर दिया है वो सारा कन्वर्ट हो गया यूजफुल वर्क डन में, तो 100% हमारे पास इफिशियंसी आएगी। अगर क्यू टू की जगह मैं जीरो लिख रहा हूँ क्या पर, तो क्यू टू हमारे पास जीरो की वन माइनस जीरो डिवाइड बाई टी वन, तो वन माइनस जीरो इफिशियंसी हमारे पास वन आएगी, वन मतलब मैक्सिमम इफिशियंसी है, अगर हम परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करें तो 100% इफिशियंसी आएगी। इट इज राइट इट हियर the basic formula to calculate the efficiency. Now if Q2 equal to 0, मतलब maximum useful work done कब हो गया हमारे पास, जब heat sink में कोई heat हमारे पास नहीं जाएगी, मतलब no heat was exhausted by the engine, so that all the heat Q1 is absorbed were converted to useful work done. So we will get efficiency is equal to Q1 this one, one minus, we can write this formula here, one minus put zero instead of Q2 divided by Q1. So this is equal to one minus zero, our efficiency equal to one. If we convert it into percentage 100 divided by 100, so we will get 100. This divided by 100 means percent. So हमारे पास हम देख सकते हैं कि अगर सारा heat useful work done में convert हो जाए तो इस केस में efficiency हमारे पास क्या आएगी, 100%. So this student experiment showed that it is impossible to construct a 100% efficient heat engine in the operation of a heat engine such as steam engine, gasoline engine or diesel engine. Some heat engine, some heat Q2 must be rejected to sink. कुछ ना कुछ part of the heat sink को जरूर आएगी यहाँ से यहाँ तक। तो 100% efficient engine आकर नहीं बना है। How the treatment be clear for us to यहाँ तक तो clear होगा। इस पे अब हम एक numerical problem करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इस हीट इंजन पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं कि मतलब कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर बुक में एक एग्जांपल है, एग्जांपल 10.4 कह रहे कि रिवर्सिबल इंजन वर्क बिटवीन टू टेम्परेचर हुज डिफरेंस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड इफ इट एब्जॉर्ब 746 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्ट 546 जूल टू द सिंक कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। हमने इस केस में सोर्स की और सिंक की टेम्परेचर कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, लेट मी राइट द डेटा फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 10.4 व्हाट इज गिवन, difference between temperature, difference between temperature is T1 minus T2 which is 100 degree centigrade, T1 minus T2, this is the difference between temperature and this is given that it is equal to how much, 100 degree centigrade.
centigrade. Second thing, heat exert. Heat exert is given. It is how much? Q1. 746 joule. How heat rejected? Q2 is how much? 546 joule. Now what is to be calculated here? Required is 100 degree centigrade, absorbed heat which is represented by symbol Q1 is 146 volt, and rejected heat, heat which flows towards the sink is 546 volt. Now what is required? Temperature of the source? T1. Temperature of the source is to be calculated. One is to be calculated. Similarly, temperature of sink is to be calculated. Temperature of sink is represented by symbol T2. T2 is to be calculated. So how can we calculate this? By the formula of efficiency. Here let me draw or let me construct this heat engine. Say suppose this one is Q1. This is Q1. How much it is? 746 joule. And this is 546 joule. This is Q2. Say suppose this is Q1. This is Q2. यहाँ से हमारे पास heat sink आ रहे हैं. अब क्वांटम कितना हुआ? 200 जूल. क्योंकि यहाँ से 746 जूल हीट आ रहे, 200 जूल वर्तन हो गया, 546 जूल यहाँ पर आया. तो अब देख ले, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज गिवन बाय फार्मूला सॉल्यूशन. लेट मी सॉल्व दिस. लेट मी नोट इट. The efficiency of heat engine is given by formula A. ये वाला formula apply करेंगे. सारे efficiency के formula है. Q1 minus Q2 divided by Q1. Further 1 minus Q2 divided by Q1 is power simplify by 1 minus Q2 divided by T1. तो ये सारे efficiency के formula है. तो इसी केस में हमारे पास efficiency का formula है Q1 minus Q2 divided by Q1. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T1 minus T2 divided by T1. अब remember हमने calculate करना है T1 और T2 को. तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू इन द अबव इक्वेशन. देख ले इस इक्वेशन को हम देंगे तो इसमें Q1 क्या है? 746 है. Q2 हमारे पास 546 है. और अगेन Q1 746 है. अब T2 minus T1 which is given this is equal to 100 degree centigrade. तो इसकी जगह हम 100 लगा रहे हैं divided by T1. अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जैसे हाउ कैन वी सिंप्लीफाई दिस? 746 माइनस 546 इससे हमारे पास आ रही है यूट यूनाइटेड हियर. इससे हमारे पास आ रही है 200 divided by 746. This is equal to 100
डिवाइडेड बाई टी वन। अब इसे टी वन कैसे मालूम करेंगे? टी वन विल बी इक्वल टू के दोनों जीरो हम कैंसिल आउट करते हैं, तो टी वन विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इसका रिसिप्रोक कर ले, सो फ्रॉम हियर टी वन इज इक्वल टू 746 डिवाइडेड बाई टू। तो 746 को 2 से डिवाइड करने से हमारे पास आ रहे हैं 373 किलो। Now, how can we calculate T2? Because delta T is T1 minus T2 is a that much. How much? 100. This is given 100 degrees centigrade or 373 Kelvin. We can write it here. 100 degrees centigrade or 373 Kelvin. इसको हम सेंटीग्रेड में लिख सकते हैं 373 माइनस 273। 373 की वन माइनस 273 एक डिग्री सेंटीग्रेड में, तो टी वन हमारे पास कितनी आ रही है? इस केस में टी वन हमारे पास आ रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड T1 आ रही है। व्हाट अबाउट T2? अगर हम यहाँ पर देखें T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो T2 हमारे पास क्या है? देख ले T1 माइनस T2 दिस इज गिवन व्हिच इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब T2 हमारे पास किसके बराबर होगी? T2 को इस साइड शिफ्ट करें तो T2 हमारे पास बराबर होगी T1 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 हमारे पास क्या है? 100 माइनस दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सो कैंसिल आउट। T2 हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास कितनी है? So this is the required value for T1 and T2. The temperature of cool reservoir is to be 0 degree centigrade and the temperature of hot reservoir is to be 100 degree centigrade. So the flow of energy will be possible in this case. So let me summarize it once again. Yes, student, हमारे पास एक heat engine given है, इसको हम design कर सकते हैं ऐसे कि यहाँ से जो हमारे पास heat flow हो रही है कि one इसकी वैल्यू गिवन है 746 जौल एनर्जी है। सिमिलरली जो हीट इजेक्ट हो रही है क्यू टू और ये जा रही है किस चीज में? कूल रिजर्वायर।